नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा स्टैनकोविक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो स्विमिंग पूल में ब्लैक स्विम सूट में डांस करते हुए नजर आ रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या का बुधवार को जन्मदिन था। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने भारत के लिए अपना पहले वनडे मैच में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने वनडे डेब्यू मैच में 58 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने अपने डेब्यू पारी में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके अलावा उन्होंने एक विकेट भी लिया था। कृणाल पांड्या को उनके डेब्यू पर हार्दिक पांड्या ने उनकी डेब्यू कैप दी थी। कृणाल पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले वनडे में मिली जीत के बाद ट्वीट कर लिखा कि पापा, हर बॉल के साथ आप हमेशा मेरे दिमाग और दिल में थे। अपने साथ आपकी मौजूदगी महसूस करते हुए मेरे चेहरे पर आंसू आ गए। शुक्रिया मेरे ताकत बनने के लिए, आप मेरे सबसे बड़े सपोर्ट थे। उम्मीद है मैंने आपको गर्व महसूस कराया होगा। ये आपके लिए था पापा, जो भी हम करते हैं वो आपके लिए ही है। इससे पहले हार्दिक पांड्या ने कृणाल पांड्या को डेब्यू के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई, हम इस यात्रा में उतार चढ़ाव के दौरान शुरुआत से ही साथ में थे। मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरी तरफ हैं। बड़े भाई, जन्मदिन मुबारक। 30 साल के कृणाल पांड्या को डेब्यू कैप उनके छोटे भाई हार्दिक पांड्या ने ही दी। कृणाल पांड्या ने अपने पहले वनडे मुकाबले में इतिहास रचते हुए सिर्फ 26 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया था। इसके बाद गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविक हार्दिक पांड्या के साथ ही इन दिनों ट्रेवल कर रही हैं। साथ में उनका बेटा भी है। नताशा सर्बिया के मशहूर मॉडल रह चुकी हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में भी काफी नाम कमा चुकी हैं। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हॉट अवतार से वो फैंस को रूबरू करवाती रहती हैं। आपको बता दें, सीरीज के 2 वनडे मुकाबले पुणे में ही खेले जाएंगे। दूसरा वनडे मैच 26 मार्च को, वहीं तीसरा वनडे मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या IPL में व्यस्त हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।